हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिफाली एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू कनाडा। सो आज के इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जामिनेशन में आए थे 9 जुलाई सेकेंड शिफ्ट में। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू, मेल्स के थ्रू कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस हमें यहाँ पे पता चले हैं जिनसे कि सेकेंड शिफ्ट में पूछे गए थे क्वेश्चंस। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि यूजीसी नेट की कंप्लीट प्रिपरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी चैनल पर मैं करा रही हूँ। प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारे प्रीवियस वीडियोज़ को यहाँ से चेक कर सकते हैं। इस क्लास का जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर आपको मिल जाएगा। ये टेलीग्राम का लिंक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कॉमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर मैंने पिन भी कर दिया है, वहाँ से आप देख भी लेंगे। इसके अलावा सेशन अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगेगा, पसंद आएगा, तो आप लाइक करेगा, शेयर करेगा और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करेगा। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं, एसडीजी को यहाँ पे कवर किया था। ये आपका पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट का क्वेश्चन है। कई बार मैंने आप लोगों को सेशन के दौरान भी बताया कि एसडीजी एमडीजी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये जो टॉपिक है इस टॉपिक से मैचिंग के क्वेश्चन बनते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आया था। इसके अलावा जेपीजी रैम, मतलब कि ये आईसीटी में एक्सटेंशन वाले क्वेश्चन बने थे। इसके अलावा न्यू एजुकेशन पॉलिसी के क्वेश्चन आए थे, नंबर सीरीज से यहाँ पे क्वेश्चंस पूछे गए थे। इंडियन लॉजिक के भी क्वेश्चंस आए थे बट वो एजर्शन और रीजन के फॉर्म में क्वेश्चन पूछा गया था। DIPYQ आया था, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से DI पूछा गया था। लास्ट अगर आप 5 ईयर्स के DI करके जाते हैं तो आपको DI बहुत ही ईजी तरीके से आप उसको क्रैक कर पाएंगे। DI का जो लेवल था थोड़ा सा यहाँ पे लेंदी था। RC डायरेक्ट पूछी गई थी और इसमें जो टॉपिक कवर किया गया था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में वो था कोविड का। इसके अलावा रेशियो परसेंटेज के कुछ क्वेश्चंस बने थे, प्रॉफिट और लॉस को यहाँ पे कवर किया गया था, कोडिंग और डीकोडिंग के कुछ क्वेश्चंस बने थे, सिंपल इंटरेस्ट को कवर किया गया था। और जरूरी नहीं है कि सिंपल इंटरेस्ट को इस बार कवर किया गया तो अगली बार भी सेम टॉपिक को उठाए, कंपाउंड इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अल्फाबेट सीरीज को पढ़ के जाइएगा, ब्लड रिलेशन के भी क्वेश्चन आने वाले शिफ्ट में हमें देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा कम्युनिकेशन इफेक्ट से क्वेश्चन आया था, मॉलवेयर और सुबह वायरस वाले से क्वेश्चन आया था। इवनिंग शिफ्ट में मॉलवेयर को यहाँ पे कवर किया गया था। इसके अलावा क्योटो प्रोटोकॉल को कवर किया गया था। सो यहाँ पे कम्युनिकेशन के कुछ मॉडल्स से क्वेश्चंस आए थे, जैसे कि अरस्तु के मॉडल की क्रोनोलॉजी पूछी गई थी। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 16 क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पे कवर कराया। इसके अलावा आरसी के डायरेक्टली 5 क्वेश्चन और मैथ्स के डायरेक्टली 5 क्वेश्चन, तो 5, 5, 10 और ये 16, लगभग 30 क्वेश्चन मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि कहाँ कहाँ से क्या क्या पूछा गया था। इसके अलावा एक कॉमन क्वेश्चन जो कि लगातार सभी स्टूडेंट्स की तरफ से पूछे जा रहा है कि क्या आप इंग्लिश टू हिंदी या हिंदी टू इंग्लिश क्वेश्चन को स्विच कर सकते हैं। तो यस, यू कैन स्विच ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी और हिंदी टू इंग्लिश। कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वायरी है तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप यहाँ पे ड्रॉप करेंगे। इसके अलावा प्रीवियस वीडियोस आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। सोशल मीडिया हैंडल जहाँ बिक्शा फॉलो कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को जेनुअली पसंद आई हो तो जाते जाते लाइक करके जाएंगे, शेयर करेगा, सब्सक्राइब करेगा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड गेट सक्सेस।